हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आरंभ बैच के न्यूमेरिकल की सीरीज। न्यूमेरिकल की सीरीज के जो डेज है मुझे बच्चे पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। मंडे ट्यूसडे को हमारी एकलव्य बैच होती है, फिर वेनेसडे होगा, फिर फ्राइडे। तीन दिन न्यूमेरिकल की सीरीज और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट जैसे होता है। अब कुछ डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला दिया जाता। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट्स किए कि सर कुछ कुछ तो आप लोग डेरिवेशन नहीं देते, तो जरूरत नहीं है। आज के इसमें भी वैसा ही बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, जिस चीजों का चाहिए उस चीजों का मैं देने वाला हूं, डोंट वरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो आरंभ बैच का HSC 2022 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल के सीरीज है और 4th नंबर का ये पार्ट्स है। इसके पहले 3 वीडियो डाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स में यहां पे जो कुछ फार्मूलेज है उस फार्मूले के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को कुछ फार्मूलेज पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है क्या नहीं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहां पे आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंपॉर्टेंस फार्मूले। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा। कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर, ठीक है। उसको कभी कभी ऐसे भी समेशन में लिखते, बहुत सारे ज्यादा रहे तो i=1 to n, मतलब इंटीजर नंबर 1 से टू n तक जो है इसके लिए। तो m i, i मतलब इंटीजर नंबर बेटा, ठीक है, मतलब m1 r1 स्क्वायर, m2 rt स्क्वायर, ऐसे बहुत ज्यादा रहे तो कर सकते समेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोगों को अब डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बुक्स में इस साल इस डेरिवेशन को कट किया गया है। पुराने 2012 में जो सिलेबस था उसमें उसका डेरिवेशन भी पार्ट्स था बेटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रिंग रही तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर से एक्सिस पास हो तो सिंपल बेटा mr स्क्वायर होता है। मतलब कोई रिंग है, इस रिंग से सेंटर से एक्सिस पास होती है, रिंग है, ये रिंग है, रिंग से सेंटर से ऐसे या ऐसे एक्सिस पास होना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे भी पास सेंटर से होती है लेकिन ये डायमीटर बनता है बेटा, प्लेट रही है ऐसे तो ये ऐसा, ये नहीं परपेंडिकुलर, ये है, ये सेंटर से पास होना ऐसे दिख रहे हैं आपको जुक अंदर, तब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप में से हो सकते हैं कि परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करके। अगर आप लोगों ने एक्सिस कहीं यहां से पास की तो कितना होगा, यहां से तो आप फार्मूला लगा सकते हो IO = IC + mh2। पैरेलल एक्सिस दिख रही है हमको, देखो आईसी क्या बेटा इसका mr स्क्वायर है, ये दोनों का अंतर कितना है h, h मतलब क्या होता बेटा r, क्योंकि ये रेडियस जितना अंतर है तो h के जगह पे r रखो, तो ये फार्मूले निकालने आना चाहिए टॉइस mr स्क्वायर बेटा io मिलेगा। बात समझ में आ रही, एक्सिस कहां से पास कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। यही रिंग के लिए थोड़ी सी और बात करते हैं, ऑन एनी डायमीटर, मतलब बेटा ये है हमारी, देखो ये एक्सिस, एक ये एक्सिस हमारी, इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, और जेड, जेड एक्सिस कैसी है समझ लो बेटा, ऊपर से निकाल रहा हूं ना, यहां से क्यों नहीं दिख रहा, डैश 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 का मतलब क्या है बेटा, ये कि इस एक्सिस को ऐसे पास कर रहा हूं, ये डायमीटर मतलब ऐसी है, देखो ये दिख रही है आपको ये। ओके, समझ में नहीं आ रहे तो और भी आगे आ रहा हूं मैं, देखो बेटा ये है, ये डायमीटर हो रही है और एक एक डायमीटर हो रही है ऐसे, समझे, और ये जो है सेंटर से पास होना मतलब ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे सेंटर से पास हो रही है। ओके, ये सेंटर से पास हो रही है ऐसे। ओके, तो ये समझ नहीं आता इसलिए बता रहा था मैं। चलो अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करोगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम है यार। तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा, यहां IZ = क्या है बेटा फार्मूला, IX + IY है। अब बात ध्यान दीजिए बेटा, ये IX और ये IY दोनों डायमीटर है, सही है ना बेटा, देखो ये डायमीटर है, ये डायमीटर, और ये जो जेड एक्सिस दिख रहा है तो ये IZ सेंटर से पास होना, उसको IC कहते। फिलहाल मैं रिंग की ही बात की जा रही है, रिंग की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसके जगह पे IC रखो सर, यहां पे भी IX ID है, डायमीटर है, और ये भी डायमीटर है बेटा,
तो क्या हो रहा है, आईसी इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी ट्वाइस आईडी। तो डायमीटर का फार्मूला निकालना है तो आईसी बाय टू होगा, देखो ना आईसी बाय टू होगा। मतलब क्या बता रहा हूं, आईडी इज इक्वल टू आईसी की वैल्यू क्या बेटा, अगर सेंटर से एक्सिस पास हो रिंग से तो एम आर स्क्वायर फार्मूला है, तो इसीलिए एम आर स्क्वायर है ना, और ये टू एज इट इज। देख लेना बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन डायमीटर के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, अगर सेंटर से पास हो तो ठीक है, रिंग लिए रिंग से सेंटर से पास किया तो एम आर स्क्वायर, ठीक है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन परपेंडिकुलर रहा तो ये, ठीक है, ये किसके लिए बेटा, ऑन एनी वन डायमीटर, और एक हो सकता है टेंजेंट टू इट्स प्लेन, देखो टेंजेंट टू इट्स प्लेन रहा मतलब अगर यही रिंग है हमारे पास लेकिन सेंटर से एक्सिस पास परपेंडिकुलर नहीं हो रहा अभी, मतलब ये ऐसा हो रहा है, देखो सेंटर से तो पास हो रहा है लेकिन वो डायमीटर बन रहा है, पहला जो सेंटर से पास हो रहा था ये एक्चुअल में ऐसा बेटा ऐसा या ऐसा ऐसा, ये रिंग है कंसिडर करो रिंग है, ये ऐसे एक्सिस पास कर रहे थे, एक जो ये कड़ा है ये जो रिंग है एक सेंटर से मतलब वो डायमीटर नहीं बन रहा है, और एक जो बेटा एक टच करके जा रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को, तब एम आर स्क्वायर ट्वाइस एम आर स्क्वायर फार्मूला बेटा, ध्यान दीजिए आप जो टेंजेंट्स हो रहा है लेकिन सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है वो डायमीटर बन गया बेटा, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंस है भैया अभी। तो ये जो है यच, यच मतलब दो एक्सिस के बीच में का अंतर, तो यच इज इक्वल टू आर है, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब कि यहां पे IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर है ना, पैरेलल एक्सिस है। अब ये IC नहीं बेटा, ये डायमीटर बन गया है, मतलब IC के जगह पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहां पे कि IC ये ID है। अभी कुछ भेजे में जा रहा है एक बावड़ा, समझते कर बाबा, समझना बहुत जरूरी है, ताड़े जरा सा लक्ष्य दे, बाकी गोष्टी वर लक्ष्य देऊ नका, जीवनात हे महत्वाचं आहे भाऊ, त्या गोष्टी होणार आहेत पुन्हा, चला चलो आय ओ आय सी है आई डी, तो आई डी की वैल्यू मेरे पास यम आर स्क्वायर बाय टू, और ये यच इज इक्वल टू आर है, तो यम यच के जगह पे आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, कुछ खोपड़ी में जा रहा है, आई सी की जगह पे आई डी क्यों रखा, क्योंकि बेटा आई सी मतलब क्या, दो सर्कमफेरेंस सर्कल के दो पॉइंट को टच ना करते हुए बीच में से पास होना चाहिए, समझे क्या, तो ये हो गया बेटा एम आर स्क्वायर बाय टू मतलब आधा, अरे एक ए वन है एम आर स्क्वायर, आधा प्लस वन डेढ़, डेढ़ कैसे लिखते हैं, थ्री बाय टू डेढ़ मतलब, या तीन क्या आधा डेढ़, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई ओ इज इक्वल टू थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, दिस इज द आई ओ, कोई टेंशन है, रिंग के सभी सवाल मैंने फार्मूले लिख के दिए हैं, बाद में ये मत बोलना कि सर हमको पता नहीं है भैया, करना पड़ेगा, कैसे कैसे किया, सिंपल, रिंग का सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो एम आर स्क्वायर है ना, टेंजेंट है लेकिन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है बेटा, ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन बोलते, ये टेंजेंट टू द परपेंडिकुलर है लेकिन, तो मैंने फार्मूला लगा दिया पैरेलल एक्सिस का, ये आईसी एम आर स्क्वायर बेटा, एच की वैल्यू आर है तो एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ट्वाइस एम आर है, डायमीटर निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस का मैंने थ्योरम लगा दिया यहां पे, ठीक है ना, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है, आई एक्स आई वाई डायमीटर लिए मैंने, ये सेंटर से झड़ जो एक्सिस है ऐसे पास हो रहा है तो झड़ की वैल्यू आईसी लिए, इसकी आईडी आईडी ट्वाइस आईडी हो गया, तो ये टू डिवाइड आ गया बेटा, तो IC की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ये डायमीटर मतलब सेंटर से एक्सिस तो पास हो रहा है लेकिन वो डायमीटर है बेटा, डायमीटर सेंटर से एक्सिस पास होने वाला डायमीटर होगा क्या, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बात को समझो, तो यहां पे इस एक्सिस को लगाया तो ऐसे टेंजेंट टू इट्स प्लेन, तो मुझे लगता है कि रिंग के सवाल पूरे के पूरे यहां होंगे, करेक्ट, इसी की जगह पे बेटा अगर हमारे पास डिक्स का पढ़ने वाले, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिक्स ये बेटा प्लेट जो पोए खाते हैं ना हम लोग नाश्ता हाँ सर नाश्ता पसंद है, तब बेटा ध्यान दीजिए ये पूरी प्लेट भरी वाली होगी अभी, ठीक है, तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर से एक्सिस पास किया तो डिवाइड बाय टू, देखो एम आर स्क्वायर बाय टू कम होता है डिक्स का, क्योंकि डिक्स में मास बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर ऐसे, ठीक है,
ओके यहीं पे बेटा क्या होगा डिवाइड बाय टू, ये थ्री बाय टू होगा। मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया, ऑफर देखो इसका आईसी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय टू होगा। तो एम आर स्क्वायर प्लस वन या हाफ प्लस वन, थ्री बाय टू हो रहा है, समझे क्या? डिक्स और रिंग में क्या फर्क है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आईसी एम आर स्क्वायर है बस इसके कारण। अब यहां पर भी देखो सेम कंडीशन है, बस यहां पर इसका एम आर स्क्वायर बाय टू होने के कारण ये डिवाइडेड बाय टू, टू टू जा फोर होंगे, बस ये फर्क है। दिमाग चलाओ भैया, दिमाग चलाओ, ऑफर है एक के साथ एक फ्री है। रिंग और डिस्क में क्या फर्क है, रिंग का एम आर स्क्वायर है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय टू है, बस इतना फर्क जानो। अब यहां पे इसका आईसी आईडी बन गया है सेम कंडीशन, बस यहां पे फोर आएंगे। अब क्या होगा बेटा, फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव बाय फोर होगा, मतलब इसका जो होगा ये IO इज इक्वल टू फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर। जिन लोगों को समझ में आया सही में कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये जो बात है हमारे दिमाग में कुछ जा रही है, लेकिन धीमे धीमे समझ लो, एकदम किसी को नहीं समझ में आता भैया। ट्राई करो, ट्राई अपना काम है करने का, और हर ट्राई करने वाला अनसक्सेस हो ही नहीं सकता। अगर ऑनेस्ट हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, पेशेंस हो, कंटिन्यूटी की लेक्चर धीमे धीमे देखोगे रिपीट कर करके कि मैंने क्या दिमाग लगाया होगा सर, ये जो डिक्स है और रिंग में क्या मैंने ऑफर दिए भैया आप लोगों को, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेंगे ये। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बेटा हम लोग थोड़ा सा और काम करते हैं। ओके आप देखिए क्या होने जा रहा है, ठीक है। सबसे मेन बेटा यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले और बात होंगी रॉड। रॉड पता है ना, रॉड जो है, समझो मैंने एक रॉड ले लिया, कंसीडर करता हूं यहां पे एक रॉड है, और इस रॉड में से एक सेंटर से एक्सिस पास करो तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसका सेंटर में से एक्सिस पास करने के बाद एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व होता है, समझ में आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद, किस में से बेटा रॉड। ये रॉड थिन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, तो ये हम लोग लगा सकते हैं। अब ये होगा, ठीक है सर, टोटल रॉड की लेंथ एल थी हमारी, इसमें से एक एंड में से पास किया तो उसको आईओ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का अंतर टूट गया, एल एल बाय टू, एल बाय टू दो हिस्से कर दिए ना मैंने, दो टुकड़े कर दिए, तो एल था अभी एल बाय टू, एल बाय टू। चलो कौन सा थ्योरम, कौन सा पैरेलल वाला, क्या है बेटा थ्योरम, आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर। IO, IC क्या बेटा, ML स्क्वायर बाय 12। ये H क्या बेटा, लेंथ, दोनों के बीच की लेंथ, H मतलब हाइट नहीं है, दो पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर लेंथ है, ये लेंथ है, देखो ये जो स्टाइलस दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे M इसकी वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, L बाय 2 है, देखो ना L बाय 2, तो L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही है। चलो हम लोगों को एलसीएम निकालने आता है, तो एल एल स्क्वायर बाय 12, यहां पे 3 एम एल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं बेटा, बेस 12 करना है इसलिए। अब न्यूमानेटर की एडिशन कर सकते हैं, 3 प्लस 1 ये हो गया 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो आईओ 3 जा, तो एम एल स्क्वायर बाय 3, वन एंड से अगर रॉड के एक्सिस पास होता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML स्क्वायर बाय 3 होता है, गॉट इट। और एक बात बताओ बेटा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है ना, तो बस ये फार्मूला I बाय M करना, इस I की वैल्यू डालते रहो, M मर जाएगा, तो ये भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हो इस चीज से, ठीक है ना। चलिए मुझे लगता है कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक्सिस पास होने के कारण ये जो है बेटा एक एंड से, अगर मिड पॉइंट से करेक्ट, तो मिड मतलब यहां से, ओके सर, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके चार टुकड़े कर दिए जाए, ये एल बाय टू था और दो टुकड़े मतलब एल बाय फोर, मतलब एक दो इधर से भी होगा, तीन चार, चार टुकड़े होंगे के लिए इसके चार टुकड़े में बांट दिया मैंने, तो चलिए चार टुकड़े में बांट दिया, देखते हैं चार टुकड़े। अब देखो यहां पर आई ओ, देखो दोबारा आई ओ इज इक्वल टू सेम आई सी प्लस एम एच स्क्वायर IO, ये पता है ना IO इज इक्वल टू IC प्लस एम स्क्वायर,
पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम पता होना चाहिए, नहीं तो सर हमारे भेजे में नहीं जा रहा, कैसे जाएगा भैया, पढ़ाई करना पड़ेगी ना उसके लिए। चलिए आईसी क्या है बेटा, यहाँ पे एम एल स्क्वायर था डिवाइड बाय 12, देखो आईसी की वैल्यू एम, इसका एच क्या है, दो एक्सिस के बीच की दूरी है एल बाय 4 है, इसीलिए एल बाय 4 का स्क्वायर है। चलिए आईओ यहां पे एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा, यहां पे एम एल स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर होता है 16। एलसीएम आता है भैया 48 आता है ला, एलसीएम आना चाहिए, नहीं आता है तो देखो यहां पे 4 एम एल स्क्वायर बाय 48, इसको 3 एम एल स्क्वायर बाय 48 इसका एलसीएम था, था कि नहीं। आप क्या कर सकते बेटा, ये 4 प्लस 3 7 एम एल स्क्वायर और ये 48। अब ये मिड पॉइंट से करने के बाद है, तो ये सिंपल सिंपल चीज है बेटा, ऐसे फार्मूले को तैयार किया जा सकता है। आप लोग इतने नहीं है, बहुत सारे कर सकते हो। अभी सॉलिड सिलेंडर आ गया, मतलब ये पेन सॉलिड सिलेंडर भरे वाला पूरा की पूरा, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक्सिस पास होने के बाद क्या होगा, तो सीधी बात नो बकवास, सीधा लिखना एम आर स्क्वायर बाय 2। सर ये तो अपना डिक्स का था बेटा, डिक्स और सॉलिड सिलेंडर का सेम होगा, क्यों, अगर आप लोग काकड़ी खाते होंगे उस काकड़ी को कट करो, कट 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 कट, तो इसके प्लेट नहीं बनते, तो सेंटर से एक्सिस पास करो तो एम आर स्क्वायर ही प्लेट का मिलता है, तो वही सॉलिड सिलेंडर का है। बच्चे घबराते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑफर है आपके लिए। उसके बाद में सॉलिड स्पीयर का फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, सेंटर से एक्सिस पास किए तो 2/5 एम आर स्क्वायर। मुझे लगता है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कवर करने की कोशिश की है, आप लोगों को और भी जैसे जैसे न्यूमेरिकल में हम लोगों को फेस करना पड़ेगा वैसे आप लोगों को मैं वहां पे फार्मूले बताने वाला हूं। चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, अभी ये रहा न्यूमेरिकल फर्स्ट नंबर का, ये आपके सामने, चलिए कोशिश करनी है आप लोगों को सॉल्व करना है। ऑनेस्टली आपको लॉग टेबल लेके बैठना पड़ेगा नंबर एक, नंबर दो आपकी जो बुक होगी जो राइटिंग करते हो वो लेके बैठना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक लेके बैठो क्योंकि उससे हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, और ऑनेस्टली कॉज करके सॉल्व करो, ये ऑनेस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं तो बेटा देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी ऑनेस्ट आपकी ईमानदारी आपके काम आने वाली है। अगर आप लोग मेरे साथ बेईमानी करके क्या करोगे, क्या हासिल होने वाला, कुछ नहीं होने वाला भैया, खुद को करना ये। तो चलिए पहले मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे कि एक लाइट थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, लाइट थिन यूनिफॉर्म रॉड है, और ये जो रॉड है बेटा इसकी लेंथ है, मतलब एक रॉड ले लिया ऐसे जो कि इसकी लेंथ है बेटा टोटल 0.5, कितने बेटा मीटर में है ना, मीटर है, ठीक है। टू मासेस, यहां पे एक मास रखा है मैंने ऐसा कुछ जो कि ये 20 ग्राम, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मास M1, M2, दो मासेस है ना, दोनों का भी 20 ग्राम है, याद रखिए ग्राम को किलोग्राम करना है तो -3 kg के आ जाता है, किलोग्राम करना है ग्राम टू किलोग्राम -3, तो एक पॉइंट शिफ्ट करता हूं 2 × 10⁻², थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा, इसको चिपका दिए मैंने, स्टक कर दिया। आर थ्रेडिंग द मासेस पॉइंट ऑफ मासेस निगलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड इटसेल्फ, तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं इस रॉड का, है ना। अबाउट द ट्रांसफर एक्सिस पासिंग थ्रू द, एक सेंटर से एक्सिस पास करना है, ओके सर कर दी एक सेंटर से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, ठीक है, और एक एंड से पास करना है। तो सबसे पहले यहां पे बहुत इजी और सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को, थोड़ा सा यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है क्या नहीं है, तो इसके लिए मुझे पहले सबसे पहले जो डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस वो इसके आधा है, आधा मतलब 0.25 होता है, पता है ना बेटा 0.5 के आधा 0.25 होता है, 25 पैसा ये 50 पैसा तो ये 0.25 मीटर। इसका मास तो सबको पता है, ये M1 M2 जो भी बोलना है बोल लो, है ना, ये तो ये R2 बोलो, इसको R1 कैसे भी बोल सकते, इसको R1 R2 बोल सकते। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, तो यहां पे M1 R1 स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर, दो मासेस है बेटा, मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर नहीं पूछा है, दो मासेस चिपका गए हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर बेटा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये R1 है और ये R2 है,
तो समझ में आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बच्चों को लगेगा कि एमएल स्क्वायर बाय 12 निकालना है क्या, यही फंस जाते हैं बच्चों, समझे क्या। चलिए निकाल रहा हूं मैं यहां पे, IC इज इक्वल टू मास है बेटा मेरे पास 2 × 10⁻¹, और ये जो 0.25 है इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है R1 और R2 दोनों सेम है, तो 0.25 मीटर को मैं 25 × 10⁻²⁰ मीटर लिख सकता हूं। इजी बनाने के लिए रखा 0.25 चलेगा, लेकिन बेटा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है, इसीलिए मैं 25 × 10⁻², आर का स्क्वायर देखो ये आर की वैल्यू बेटा, प्लस सेम टू सेम 2 × 10⁻¹, सेम प्रोसेस, या टॉइस भी कर सकते थे उसको, टॉइस टाइम भी करो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 25 × 10⁻²² का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो बार है ना ये, तो कर सकते थे। तो आईसी देखो यहां पे 2, 25 का स्क्वायर 625, 10⁻¹, कितने लोगों को समझ में आ रहा बेटा, कैसे किया मैंने, ये पावर का पावर माइनस 2 का पावर 2, 2 जा 4, ये 15 हो गए, समझे। ये भी बेटा 2, ये 625, ये 10⁻¹, बात समझ में आ रही है। माइनस 5 कहां से आया, मुझे लगता है कि आईसी ये 1250 और ये भी 1250, ये जो है बेटा 10⁻¹, मैं कॉमन निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन है बेटा, तो ये हो रही 2500 + 1250 = 2500 × 10⁻¹, ओके। या आप लोग पॉइंट शिफ्ट करके भी लिख सकते थे, आईसी इज इक्वल टू 2.5, कितने से शिफ्ट किया, 3 से, तो 2 हो केजी मीटर स्क्वायर, गॉट इट बेटा, गॉट इट, ये आईसी मिला है। लेकिन उन्होंने वन एंड से अगर एक्सिस पास किया तो क्या होगा ये भी पूछा है, मतलब अब यही कहानी थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको कट ही करना पड़ेगा, ये आप लोग नोट डाउन करें अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है आप लोगों को, मैं इसको कट करने जा रहा हूं इसलिए पहले ही आप लोग कर लेना, ठीक है। ओके सर, कर लिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को रॉड वही है, हाँ सर, इस रॉड में से एक एंड में से यहां से एक्सिस पास करना। अब यहां पे एक मास है बेटा M1 नाम का और यहां पे एक मास है M2 नाम का। मैंने बहुत बार बोला है क्या, जिस मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसमें से अगर एक्सिस पास हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, क्यों, फार्मूला MR स्क्वायर। आर क्या होगा बेटा, उस सेंटर से अगर पास होता है तो उसका आर डिस्टेंस जीरो होगा, तो आर जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो ना, समझे क्या। ओके मतलब बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा, बचा है मेरे पास यहां पे आयो बोल सकते M2 R2 स्क्वायर, लेकिन ये जो R2 है ना अभी, ये R2 पूरा की पूरा 0.5 बना है बेटा, अभी ये पूरा अंतर यहां से यहां 0.5 मीटर है, ध्यान दीजिए। ओके सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि R1 दूरी ही नहीं है, वो तो जीरो है, वहां पे कोई फायदा ही नहीं है, है ना, तो नहीं लिखा इसलिए मैंने। चलो M2 की वैल्यू हम लोगों को मास पता बेटा, हाँ सर, 2 × 10⁻²⁰, R2 इसका स्क्वायर तो 5 × 10⁻¹ का स्क्वायर, बात समझ में आ रही बेटा, 5 × 10⁻¹, पॉइंट शिफ्ट किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं, तो IO ये 2 × 10⁻²⁰, ये 5 का 25, 10⁻²⁰, तो IO 50, ये -4, या आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो 5 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर। ये 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है, कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, फार्मूला लिखो आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, दूसरा फार्मूला पुटअप किया आधा मार्क, दूसरी यहां पे डायग्राम को मार्क नहीं है, फार्मूला पुट किया और आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, ऐसे 3 मार्क के लिए बोर्ड में कहीं पे भी कोई भी पेपर उठा के देखो आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाएगा। आगे सेकंड सवाल पे, ठीक है चलिए, चलो बोलो ऑनेस्टली कॉज करके सॉल्व करना बेटा, ऑनेस्टली सॉल्व करके देखने की कोशिश करना है, हाँ सर मुझे आ रहा है और आएगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखो, खुद को ऊपर भरोसा करना सीख लो, आएगा,
क्यों नहीं आएगा? हर बच्चे का हक है यार, आना ही चाहिए। क्यों नहीं आता है? आता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब देखो एक थीन रॉड है, सेम डेंसिटी हैज लेंथ, अच्छी बात है, लेंथ दी वाली सर 0.1 मीटर, उसको 10 डेज टू माइनस 1 मीटर भी लिखा चलेगा। मास दिया है, मास दिया बेटा 120 ग्राम है वो, एक्चुअली जीएम मतलब स्मॉल जी होना चाहिए, ग्राम है, जीएम स्मॉल जी है, ग्राम है। ग्राम का मैंने अभी बताया आपको, 120 ग्राम क्या होता है, माइनस 3 केजी, या इसको ऐसे भी लिख सकते 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 केजी। चलिए आगे बढ़ते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर से पास करना एक बार। अब देखो ये कहीं मास जो है पूरे रॉड का, पहले दो मासेस के पार्टिकल चिपका गए थे, स्टक किए गए थे, इसलिए एमआर स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल हुआ। अब रॉड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रॉड की है, तब हम लोग रॉड के फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूजन मत होना भैया, समझे क्या? अरे बावड़िया ताड़ी, जरा से लक्ष्य दिया, खूब लक्ष्य आसन गर्दे से। फिजिक्स साठी सर्वात महत्वाचं काय, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपके पास नहीं होता है सर, भटकता है इधर उधर, बहुत ध्यान जाता है, क्या करे सर। चलिए तो ये है हमारा रॉड, ठीक है, इस रॉड में से सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हैं। ये मास बेटा किसका है, इसका है, रॉड का है। सेंटर से एक्सिस पास होना उसके लिए ऐसी ये जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर वन जो फार्मूला है बेटा ये है मेरा IC इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12। मास बताओ कितना है, 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। एल की वैल्यू बताओ यार, 10 रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। मुझे लगता है कि 12 से मार दो तो IC ये माइनस 2 होगा बेटा, और ये भी पावर का पावर माइनस 2, मुझे लगता है माइनस 4 होगा। तो IC की वैल्यू 10 रेस टू माइनस 4 केजी मीटर स्क्वायर, ये मुझे सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 रेस टू माइनस 4 मिला है। नेक्स्ट वन एंड से एक्सिस पास करो सर। अब मुझे बताओ टोटल लेंथ होती है L, इसकी अब L बाय 2 सर, लेकिन L क्या है, 10 रेस टू माइनस 1 है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, अगर लिखना ही है L इसका बांट देना है तो ये होगा बेटा, मुझे लगता है कि 0.1 डिवाइड बाय 2 होगा, तो 0.05 ना, यस इतना ही होगा ना हमारा, तो ये वैल्यू यहां पे हम लोगों को मिलने वाली है। या रहने दो यार, वन इंच से क्या फर्क हो रहा है, यार रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला रखते, ये रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फार्मूला डायरेक्ट रखते। कैसे सर, हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला है, एंड से अगर होता है तो IO इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, याद है आपको, वन एंड से एक्सिस पास होने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। चलिए IO, मास क्या बेटा, मास क्या है, चलो 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 है बेटा, L का स्क्वायर, L है ऑलरेडी 10 रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो ये 3 4 12 होता है, तो IO इज इक्वल टू 4, 10 रेस टू माइनस 2, ये 10 रेस टू माइनस 2 होगा, तो IO इज इक्वल टू 4, 10 रेस टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट पता होना चाहिए। हो गया खत्म किस्सा, तीन मार्क के लिए सवाल है, दो सवाल पूछे आपको, एक सेंटर से एक्सिस पास किया तो, हाँ अगर दूसरा मास कोई चिपका दिया तब एमआर स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करना, ओनली रॉड के बारे में बोला, रॉड का मास, रॉड की लेंथ, तब बेटा ये फार्मूला एमएल स्क्वायर बाय 12, सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो, मिड पॉइंट से हुआ, एंड से हुआ तो एमएल स्क्वायर बाय 3, और मिड पॉइंट से सेंटर और बाद में चार टुकड़े किए थे एल बाय 4 याद है ना, तो 7 एमएल स्क्वायर बाय 48 ये फार्मूले से। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, थर्ड नंबर का खुद को सॉल्व करके देखना है भैया, खुद को सॉल्व करके देखना है, नहीं तो सर कर रहे, ऑनेस्टली करके देखना है, कोई बहाना देना नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला अब भी बताया, वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, कर रहे क्या, कर रहे कमेंट में आंसर डालो, अगर सही में कर रहे हो, ऑनेस्ट कर रहे तो, मुझे कुछ बच्चे के तो नाम भी याद हो गए यार, इतने सारे बच्चे कर रहे रियलिटी में। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, थीन यूनिफॉर्म रॉड लेंथ दी वाली है, रॉड की लेंथ है 1 मीटर,
रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसफर एसिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, डिस्टेंस जो देना है 25 सेंटीमीटर वन एंड। मतलब ये कह रहे कि एक रॉड लिया मैंने, ले लो बाबा, इसकी लेंथ कितनी है यार, 1 मीटर, जैसे स्केल होती है ना 1 मीटर की, इसमें से सेंटर से एक्सिस ट्रांसफर पास किया, हाँ सर, बाद में ये क्या कर रहा, एक एंड से इधर से आता होगा, देखो ना आपको पता है ना यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे समझो 25 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं ये रॉड, अगर इधर से गिनते हो या इधर से गिनो, आपको जो गिनना। यहां से उसने क्या किया कि यार इधर से आ जाओ या इधर से, कोई कहीं से भी आ जाओ, 25 सेंटीमीटर आ जाओ, तो 25 सेंटीमीटर यहां है, तो यहां से एक रॉड पास करो, सॉरी एक्सिस पास करो, ऐसा कहना। मतलब भैया दो एक्सिस के बीच में चार टुकड़े कर रहे तो यल बाय फोर ये डिस्टेंस होगा इसके बीच में, होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मैंने क्या फार्मूला दिया है, 7 by ml square, 7 by 48 ml square, बोला था भूल गए, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए बोल रहे, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, और मैंने k का बहुत बार चिल्ला के बोल रहा हूं कि I/m, ये फार्मूला है। अब ये I कौन सा है जो आपको दिया गया है गिवन में, तो k इज इक्वल टू इसका होगा 7 ml square divided by 48, ये m, m से m को मार दो, और k l की वैल्यू 1 है, डालने से कोई फायदा होगा, फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली बेटा 7 by 48 बचाए। चलो लॉग टेबल की सहायता लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलिए लॉग ऑफ 7 होगा और लॉग ऑफ 48 होगा। 7 का लॉग कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना आपको कैसे आता है, मेरे पास लॉग टेबल किधर है भैया, अरे भगवान लॉग टेबल नहीं है क्या मेरे पास, है मिल गया बाबा, लॉग टेबल बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो 7 का 0 में लॉग टेबल कैसे लिखते हैं बेटा, जिनको नहीं आता प्लेलिस्ट में जाओ, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लॉग टेबल प्लेलिस्ट, पूरे वीडियो देखो एक बार, ऑनेस्टली जाएगे आपके 2-3 घंटे, 2x के स्पीड में देखो, लॉग टेबल साथ में लेके बैठो करो, नहीं तो क्या है बेटा वो हमेशा तकलीफ से अच्छा है कि एक बार छुटकारा मिल जाए तो लॉग टेबल देख लेना, ठीक है। 70 का 0 में मेरे पास 70 का 0 में मिल रहा है 8451, आप लोग देख लेना 8451, और 78 का 0 में 78 का 0 में 8921। चलो अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन। किसी बच्चे ने पूछा सर एडिशन का लॉग टेबल, भैया एडिशन नहीं आती क्या तेरे को, सब्ट्रैक्शन का लॉग टेबल देखोगे क्या, क्यों देखोगे भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आती है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखने में काम आता है भैया जो क्रिटिकल हो। चलिए आप देखो 1 में से 1 गया 0, ये 10 हो गया था है ना, ये क्या हुआ बेटा 70 का 0 में, हाँ 5 है क्या वो, सॉरी ये 5 है, थोड़ा सा इसको मुझे कट करना पड़ेगा यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ये 5 है हमारा, ठीक है। तो 5 में से 2 गए, 3 बाकी है सर, 14 में से 9 गए, 5 बाकी है सर, यहाँ पे यार 5 ऐसे क्यों आते हैं मेरे, है ना 7 हो गए तो 1 ले लिया और, है ना 17 में से तो 9 गए बेटा, नहीं था तो भी लिया, ये तो बार 2 आएगा, बार 2 क्यों आया समझ में आया बेटा, नहीं था तो लिया, एक कर्जा है वो, और ये माइनस निकालो तो माइनस वन, और वो नहीं था तो भी लिया वो 1 ऐसे -2। तो चलिए यार k इज इक्वल टू, हम लोगों को इसका देखना पड़ेगा एंटीलॉग, 0.95 का 3 में 8974 आ रहा है, 8974, एक छोटे पॉइंट 10 रख दो, -2 यार, शायद मुझे लगता है सबका आना चाहिए यही आता है क्या यार, मेरा कुछ और आ रहा है इधर, इसमें गलत किया मैंने, 78 नहीं 48 है, आप बोलते नहीं है सर, कैसे बोलेंगे ऑफलाइन है ना ये, चलो सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि यहाँ से यहाँ तक, चलिए कोई टेंशन नहीं करवा देता हूँ बेटा, सॉरी यार तकलीफ होती है ना, ये 48 का है तो ये 1.48 का मैं फटाफट बता देता हूँ, 48 का क्या हो रहा है, 48 का 0 में 68 है ना,
वन टू, ये करना था सब्ट्रैक्शन। तो 11 में से 2 गए 9, 4 में से 1 गया क्योंकि एक गया था ना, अब बोलेंगे 5 है सर 4 क्यों बोल रहे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और ये 12 1। चलिए एंटी लॉक देखो यहाँ पे फटाफट फटाफट, 1639 का है ना, 163 का 16 एंटी लॉक, 16 का पॉइंट 16.16 हाँ, इसका हम लोगों को 3 में आ रहा है बेटा मेरे पास 1455। देखो आपके पास आ रहा है क्या 1455 और मेन डिफरेंस 9 में आ रहा है बेटा 3 मतलब 58। तो बेटा यहाँ पे 1458 10 रेस टू माइनस 1 शिफ्ट करना है माइनस 1 से, मतलब ऑब्वियसली 0.1458। अब इसका तो रूट देखना पॉसिबल नहीं, मैंने बोला क्या किया जाए, तो देख लेना बेटा उसको 14.58। आप बोलेंगे सर एक ही पॉइंट शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे, दो क्यों किए? देखो बेटा ये जो पावर होती 10 रेस टू, ये पावर 1 रखी तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इवन नंबर होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। इसीलिए मुझे मजबूरी में 1.4 का स्क्वायर रूट देखने का टेक्निक है इस बुक्स में, लेकिन प्रॉब्लम पावर की आ रही थी इसलिए मुझे 14.58 रखना पड़ा। तो इस बातों को समझना आपको। अब किस में देखोगे, 10 to 100 के स्क्वायर रूट में देखोगे तो 14 का 5 में देखो, 14 का 5 में मिल रहा मुझे 3.808 और 8 में मेन डिफरेंस जो है बेटा 11 है तो 19 होंगे 3.8। देखो के इज इक्वल टू 3.819 10 रेस टू माइनस 1, तो के इज इक्वल टू 0.3819 मीटर, क्योंकि बेटा डिस्टेंस ही है, के मतलब क्या है डिस्टेंस है, तो आपको 3.819 ये करेक्ट आंसर मिलता है। इजी क्वेश्चन से थोड़ी सी आदत डालो तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल सकते हो आप लोग फटाक से। चलिए फोर्थ, पहले खुद को सॉल्व करके देखना भैया, वैसे मत आना, खुद को सॉल्व करना देखना बहुत जरूरी होता है। फटाफट फटाफट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क समझते हो ना यार, डिस्क मतलब प्लेट, प्लेट का जो सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो mr स्क्वायर बाय 2 फार्मूला है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से एक एक्सिस पास करो, ये सेंटर से एक्सिस पास हुए, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये एक्सिस, बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। इसका जो मास दिया गया है, मास है क्या, नहीं बेटा केजी मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है क्या बेटा 10 केजी मीटर स्क्वायर, ये सेंटर से एक्सिस पास हुआ, इसका मतलब टेंजेंट टू इट्स रिम, ओके ये क्वेश्चन से, पासिंग थ्रू द पॉइंट मिड बिटवीन द, अच्छा दूसरा सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको करते हैं बेटा। इसका आईसी क्या होता है यार, रिंग का एमआर स्क्वायर बाय 2 होता है, इज इक्वल टू 10, इसका मतलब आईसी मतलब एमआर स्क्वायर बाय 2, इसकी वैल्यू 10 into 10, मुझे एमआर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, तो इसलिए ये 2 इधर जाएंगे तो ये 20 होंगे, बात समझ में आ रही है, मैंने 20 क्यों लिखा है, क्योंकि भैया पहले इस कंडीशन को पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पासिंग थ्रू जो लिखा है सॉरी टेंजेंट टू इट्स रिम, जिस रिम को टेंजेंट है मतलब ये सवाल है, तो इसके लिए होगा फार्मूला पैरेलल आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एमएच स्क्वायर, एच क्या है बेटा दोनों के बीच का अंतर, तो वो है बेटा आर, रेडियस होगा ना ये डिस्क का, डिस्क का रेडियस हो रहा है वो, तो आईओ, आईसी की वैल्यू 10 है, 10 है ना, ओके ये एम आर स्क्वायर, समझे एच की जगह पे आर डालना है, देखो दोनों के बीच की दूरी, तो आईओ यहां पे 10 और यहां पे 20, एमआर स्क्वायर की वैल्यू 20 बेटा, तो आईओ इज इक्वल टू 30 केजी मीटर स्क्वायर, ये आईओ मुझे यहां पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल सॉल्व हो गया। नंबर 2 क्या कहता है कि सर बिटवीन सेंटर से एंड द रिम परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब बेटा यही सवाल ध्यान दीजिए, अब यहां से कर रहा है मिड पॉइंट मतलब यहां से, तो ये R होगा R by 2, मतलब इसकी जो H है ये R by 2 हो गया, सेम फार्मूला है सेम थ्योरम है बेटा, बस आप एक्सिस मिड से करना, मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो बताया गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट मिड, मिड समझते हो ना, मतलब ये जो प्लेटी पहले एक एंड था एक सेंटर से पास हो रहा था एक्सिस,
अब इसके बीच में का, बीच मतलब जो पहले आर था अंतर, अभी आर बाय टू हो गया, फर्क इतना है। चलिए सर दो नंबर पे करते हैं सॉल्व। फार्मूला है आईओ इज इक्वल टू बेटा आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, बस एच की वैल्यू बस आर बाय टू डालनी है, बाकी सेम ही। आईओ सेंटर एक्सिस पास होता है रिंग डिस्क में से, तो एम आर स्क्वायर बाय टू। अब ये एम एच की वैल्यू बेटा आर स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर फोर होता है। आर स्क्वायर बाय फोर कहां से आ गया, एच के वैल्यू के कारण। तो आईओ इसको एक काम करते हैं, बेस सेम करना है, बेस सेम कर सकते हैं, चलो करो सर बेस सेम करो। तो बेस सेम करना है तो यहां पे टू लेना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर बाय फोर, यहां पे एम आर स्क्वायर बाय फोर, मुझे लगता है कि ये थ्री टू और ये वन थ्री बाय फोर एम आर स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है, ये टू है ये वन है, थ्री बाय फोर एम आर स्क्वायर। तो आई ओ इज इक्वल टू बेटा थ्री बाय फोर, एम आर स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास ओनली ट्वेंटी है, तो ट्वेंटी करते हैं। तो यहां पे हो रहा है बेटा ये कितना हो रहा है, साठ हो रहा है क्या, थ्री टू जा सिक्सटी बाय फोर, मुझे लगता है कि पंद्रह होगा है ना, फोर वन जा वन फोर फाइव जा, तो ये मुझे यहां पे केजी मीटर स्क्वायर मिल रहा है। मतलब दो सवाल थे, एक एंड में से पास करने के बाद ये, और एक मिड पॉइंट से दूसरा सवाल था ये, है ना, तो ये इसके दोनों के जवाब है। चलिए आगे बढ़ते यार नेक्स्ट सवाल। चलो तो ये है हमारा फिफ्थ नंबर का सवाल, क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर का सवाल देखिए। कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास दिया आला है, कैलकुलेट मोमेंट सॉलिड स्फीयर मतलब स्फीयर है, बॉल समझते हो ना, लेकिन भरे वाला बॉल है ना, ये है बेटा ये भरे वाला। तो इसका जो मास है पहले लिखता हूं मैं यहां पे, मास दिया गया है 10 केजी, रेडियस है बेटा आर की वैल्यू 0.5 मतलब ही हाफ होता है बेटा, 0.5 लिखो या हाफ लिखो एक ही मतलब है ना। रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डिस्टेंस जो दिवाला है एच बोलते हैं ना उसको 0.2 मीटर, मैं इसको 2 × 10⁻¹ बोलता हूं। मतलब आपको इस स्पीयर है बेटा सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हो और बाद में से कहीं से ऐसे एक्सिस पास कर रहा हो जबकि दोनों का अंतर एच जो है वो 0.2 मीटर है बेटा, मेरी बात समझ में आती होगी शायद, क्योंकि सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां पे दो एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल है तो सिंपल सा फंडा है सर, आईओ इज इक्वल टू याद रखना आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, आईओ है बेटा, आईसी किसका है, आप सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, बॉडी कौन सी है, स्पीयर, स्पीयर से सेंटर से एक्सिस पास होता है, तब मैंने फार्मूला लिख के दिया था 2/5 एम आर स्क्वायर, मुझे लगता है कि सबको आता होगा ये। चलो तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ये एम है ना, आच को रहने देते क्या, एच को रहने देते वैसे ही, क्योंकि एच की वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग। चलिए आई ओ ये हो रहा बेटा 2/5, मास है बेटा 10, आर इसका स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर है बेटा, मास ये 10, एच की वैल्यू बेटा ये 2 × 10⁻²² का स्क्वायर। चलिए तो ये होगा 2 जा ये हो गया बेटा 4/4 ना, वही यस सर नो, 5 × 2 जा ये 4 हो रहे, ओके सर ये 10 हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है 4 × 10⁻², ठीक है ना, क्या होगा क्या नहीं, कालिया तेरा बोलो क्या होगा, ये 4 × 4 = 1, ये हो रहे बेटा यहां पे 40 × 10⁻², सिंपल था, मैं जानबूझकर स्टेप बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये होगा 1, ये होगा बेटा 0.4, समझे ना, दो से शिफ्ट करना एक दो। अब 1 और प्लस 0.4 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.4 बेटा केजी मीटर स्क्वायर, 1.4 है, 1.4 ये जवाब आना चाहिए था। मतलब अगर यहां से एक्सिस पास की आपने, ये तो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है लेकिन एक एक्सिस यहां से पास करोगे 0.2 मीटर से दूर, तो बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना मिलेगा। चलिए सिक्स नंबर का सवाल आपके सामने, बोलो जल्दी से क्या होगा कालिया तेरा। सॉलिड स्पीयर मास, अरे वही क्वेश्चन है क्या बाबा, नहीं रेडियस ऑफ गायर, कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन बोला अभी, के की वैल्यू बोली गई है, मतलब सवाल सेम है थोड़ा सा सवाल, मतलब सेंटर से एक्सिस पास किया है ठीक है,
इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है बेटा, 2/5 mr स्क्वायर। चलो गिवन डेटा क्या क्या दे वाला है, सॉलिड स्फीयर का मास है बेटा 10 kg, क्वेश्चन सेम है बेटा, आर की वैल्यू है 3 मीटर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, के की वैल्यू बताई गई है, तो के रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फॉर्मूला बेटा आई बाई एम, आई मुझे पता है बताओ 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम से एम मर जाएगा, के इज इक्वल टू द रूट ऑफ 2/5, ये आर बाहर आएगा, स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया। चलो थोड़ा सा यहां पे 0 आता है ना, 20 होगी 4 मल्टीप्लाई, ये आर बाहर है बेटा 3, अब इसका रूट निकालना है सर, निकालो भैया कोई टेंशन नहीं, के इज इक्वल टू द, इसको 40 किया तो क्या फर्क हो रहा है बेटा, क्यों मैं बताता हूं आपको, क्योंकि 0.4 का रूट हम लोग नहीं देख सकते लॉग टेबल में, और 4 × 10⁻¹ करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 10⁻¹ को बाहर कैसे निकाले, प्रॉब्लम और बढ़ती है, इसलिए मुझे 40 × 10⁻², 40 का रूट देखना मुझे अलाउ है लॉग टेबल में, और -2 का पता है -1 होता है, इसीलिए बेटा k इज इक्वल टू 6, जैसे कि आपको स्क्वायर रूट देखना है तो 40 का रूट देखो यार, देखो 40 का रूट मेरे इसमें आ रहा है 6.325, 10⁻¹ और ये 3 तो करो मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया बेटा 15 × 1 = 6, ये 7 है ना, ये हो गए 9, ये होगा 18, 10⁻¹, तो k इज इक्वल टू 1.8975, ये मीटर में यहाँ पे हम लोगों को जवाब मिल रहा है, हो गया रेडी सब गैरेज, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं भैया, और प्रैक्टिस खुद को ही करना पड़ेगी ना, हम लोग तो करवा के दे रहे, लेकिन क्या ऑनेस्टली आप लोग सॉल्व कर रहे, मेरे साथ लॉग टेबल देख रहे क्या, कि हाँ क्यों नहीं आ रहा है मुझे लॉग टेबल, नहीं आ रहा है तो क्या वीडियो जाके देख रहे हैं आप लोग लॉक टेबल के, मैंने क्यों बना के रखे भैया, आपके लिए बना के रखे ना, तो आपका तो काम बनता है ना, कि हाँ सर हम लोग ऑनेस्टली देखेंगे सर, डोंट वरी, ऐसा बोलना चाहिए आप लोगों ने। चलो रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी अबाउट एन डिस्टेंस दिवाली है, सेंटर ऑफ मास ये दिवाला है, फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट द पैरेलल एक्सिस ऑफ द सेंटर दिवाला है, तो सिंपल सवाल है, बस इसमें हम लोगों को क्या क्या बताया, देखो द रेडियस ऑफ डायरेक्शन बॉडी अबाउट द डिस्टेंस दो एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस, उसको एच कहते हैं, स्मॉल एच लिखना चाहिए था सर, ठीक है 12 सेंटीमीटर है बेटा सेंटर ऑफ मास, और यहां पे हम लोगों को जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है वो है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो सेंटर से जो भी वो निकालना है, देखो ना रेडियस ऑफ डायरेक्शन बॉडी अबाउट एन डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से बॉडी कौन सी लिए, रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट द एक्सिस डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, अच्छा वो फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब बॉडी दी वाली नहीं है, बॉडी दी वाली नहीं है, ठीक है कुछ भी हो सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लिख लेना ठीक है, रिंग ले लिया मैंने, उसने ने कहा है कि यार एक सेंटर से एक्सिस पास करो, एक एंड में से करो, एक एंड में से करो, ये जो एच है वो उनका कहना है 12 सेंटीमीटर, देखो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यहां तक ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास से जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास जो है वो निकालना है, ओके फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये निकालना है, और इसका जो कहा है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये मतलब है आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बेटा कि के ओ इज इक्वल टू कैसे आया बताऊंगा, के सी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, कैसे आया जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं, आई ओ इज इक्वल टू बेटा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर फार्मूला, आई क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम के स्क्वायर रेडियस के फॉर्म में, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वैसे एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फार्मूला लिख दो यहां पे, एम के ओ स्क्वायर, आई ओ है तो के ओ लिखो, यहां पे एम के सी का स्क्वायर, यहाँ पे यम यच का स्क्वायर, यम 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 मर गया, तो के ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर, आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे के सी निकालना है, तो के सी स्क्वायर, ये के ओ स्क्वायर ये इधर आया तो माइनस होगा, के ओ की वैल्यू 13 का रूट स्क्वायर होता बेटा 169 और इसका 144, दोनों का सब्ट्रैक्शन 25 आएगा, तो ये के सी स्क्वायर ये रूट में आएगा, तो के सी इज इक्वल टू द रूट ऑफ 25, और 25 को लिखा जाता है हमारे इधर 5 है ना
मीटर है या सेंटीमीटर देख लेना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लिखो भैया, न तो गड़बड़ा हुए, समझे क्या, सिंपल क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का सवाल। भैया मैंने तो ऐसा करके दिया था, ऐसा करके दिया है, सेम क्वेश्चन करके दिया, आपको करना ये ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन होने का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी की बात करते हैं अभी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला बहुत इजी है, मैं पहले बताऊंगा बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन में हम लोगों ने हमेशा फार्मूला लिखा है mv2 लिखा है, क्या आपके भेजे में है भैया? एनालॉजी बता दूं तो ये है लीनियर और ये है हमारा एंगुलर के टर्म्स है। डिस्प्लेसमेंट के लिए यस, एंगुलर के लिए थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर अल्फा। मास, लीनियर में मास इस्तेमाल करते हैं, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। फोर्स की जगह पे हम लोग टॉर्क इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? अब ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी भैया, अब हम लोगों को रोटेशनल की निकालना है। रोटेशन, रोटेशन मतलब एंगुलर के टर्म्स इस्तेमाल करने, तो हाफ का नंबर तो नंबर रहेगा। मास की जगह पे एंगुलर में क्या लिखा जाता है? आई, तो लिखो आई भैया। वी के जगह पे क्या लिखाता है? ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये ही ओरिजिनल फार्मूला है हमारे लिए, बस हम लोगों की समझ वाली चीज इंपॉर्टेंस है। अब सर डेरिवेशन बता दो, बता देते हैं, पहले ये समझ लो पहले कि यार क्या ऑफर है ना। जैसे कि फोर्स का फार्मूला हम लोग लिखते हैं हमेशा एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? टॉर्क लिखते हैं भैया। एम के जगह पे आई लिखते हैं सर। ए के जगह पे अल्फा। हो गया कि नहीं भैया रिलेशन? फार्मूला तैयार, क्यों फार्मूला तैयार करते हो? तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। आप एंगुलर में पी के जगह पे एल, एम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा, क्यों फार्मूले लर्न करते हो भैया? विदाउट लर्न भी हम लोग अच्छी तरह से, बच्चे बोलते सर फार्मूले ही समझ नहीं आते, फार्मूले याद ही नहीं होते। भैया आप रट्टा मारते होगे, सही बताओ, ऑनेस्टली बताओ, आप लोग रट्टा मारते कि नहीं? अगर रट्टा मारोगे तो कभी आप लोग नहीं कर पाओगे भैया, ठीक है। सर इसका डेरिवेशन थोड़ा सा पार्ट प्लीज 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 प्लीज, ये लीजिए आपका डेरिवेशन पार्ट। चलो डेरिवेशन पार्ट कर रहे, अब मुझे बताओ कोई भी एक बॉडी बेटा, ये कैसी है ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इससे एक मास होगा यहाँ पे m1, डिस्टेंस r1 होगा, यहाँ पे मास होगा m2, इसका डिस्टेंस r2, यहाँ पे होगा मास mn, डिस्टेंस होगा बेटा rn, ओके। यहाँ पे जो जिसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वो कांस्टेंट होता है एंगुलर टर्म, क्यों होता है मैंने डिटेल में थ्योरी में पढ़ाया बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले यार आपके दिमाग में एक फार्मूला है कि सर काइनेटिक एनर्जी का mv2 ये फार्मूला है सबके दिमाग में, मतलब हमको v पता होना चाहिए, v होती है r ओमेगा, तो लिखते कैसे? कंसीडर द पार्टिकल है ना, या कंसीडर द बॉडी ऑफ मास, टोटल बॉडी का मास m है बेटा, एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 डैश mm सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए r1 r2 डैश rn एंड कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिखा है आपने इतना। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन लिखना पड़ता है इसे, रिलेशन बिटवीन कौन बेटा? लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू r ओमेगा, है कि नहीं है? फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ठीक है। ये बाद में हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हाफ mv2। अब v की वैल्यू मुझे पता है 1/2 m, v का बेटा r2 ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अब ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर जितने भी टर्म्स है थीटा ओमेगा अल्फा ये कांस्टेंट होते हैं एक्सिस, क्योंकि ये एक्सेल वेक्टर है, समझे। सेकंड पार्टिकल तो कैसे लिखोगे इसको? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डैश यंथ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखना? यंथ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है वर्डिंग में आपको, mn rn स्क्वायर ओमेगा। टोटल एनर्जी निकालो, यहां पे एनर्जी फर्स्ट, ये सेकंड, डैश ये ई एन, सबको ऐड करना है तो कर लेते हैं,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये रोटेटिंग बॉडी मिलेगी। E1 की वैल्यू हमको पता है यार, हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सेकंड पार्टिकल M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश डैश 1/2 nth पार्टिकल तक, समझे? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी की हाफ कॉमन निकालो, बचा क्या मेरे पास M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर डैश MN RN स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, समझे? मुझे बताओ यार इसको कहां जाता है समेशन ऑफ i=1 to n, है ना, सबकी सम है, हर पार्टिकल बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स इसमें, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं MIRI स्क्वायर, इसको ब्रैकेट करो ओमेगा स्क्वायर। बेटा यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए ये I का फार्मूला है। हो गया तैयार बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला, मुझे लगता है कि सबको समझ में आता होगा। अब ये ओमेगा डालना या आपके हाथ में, I डालना आपके हाथ में, ओमेगा का रिलेशन होता बेटा टॉइस पाइन, ये फार्मूला डाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कितने पढ़ा है बेटा, IC=MR² रिंग रहा तो, IC=MR² / 2 ये डिक्स रहा तो, डिक्स रहा तो, IC=ML² / 12 कुछ भी हो सकता यार, कोई भी, ठीक है? तो मैं तो अभी यहां पे बताना पॉसिबल ही नहीं होगा, इतने होंगे। चलो 9 नंबर का प्रॉब्लम करना है आपको, 8 नंबर का बेटा टारगेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, इसी उम्मीद से बैठे वाला हूं मैं यहां पे। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फ्लाई व्हील है बेटा, उसका जो मास है, फ्लाई व्हील समझते हो मतलब डिस्क जैसे ही वो फ्लाई करते ना ऐसे फेंकते हैं, ओके। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के बेटा, जिसको 2×10⁻¹ मीटर करता हूं, स्मॉल एम चाहिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन व्हेन इट रिवॉल्व मतलब फ्रीक्वेंसी दी वाली है, फ्रीक्वेंसी है बेटा ये, तो फ्रीक्वेंसी एफ या एन से दिखाओ, तो 5 हर्ट्ज होंगे हमारे पास। हमारा मेन उद्देश्य क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फ्लाई व्हील समझते हो ना बेटा, फ्लाई व्हील वो ऐसे प्लेट घुमाते, प्लेट है ना, थाली फेंक बोलते हैं क्या, थाली फेंक बोलते हैं इसको। चलो काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेटिंग का जो फार्मूला बेटा वो है 1/2, अब भी फार्मूला लिखा ओमेगा स्क्वायर, ना आई है ना ओमेगा है, करे क्या सर? मुझे बताओ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थाली का एमआर स्क्वायर, क्यों बेटा एक थाली है, खुद एक प्लेट है, थाली क्या है बेटा, प्लेट है ना, प्लेट प्लेट जैसी होती है, थाली फेंक बोलते हम लोग। और ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाइन रख सकता हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी गई है बेटा मुझे, तो चलिए सर कर लेते हैं फिर। 1/2 MR² / 2 आई की वैल्यू है, और ये 4π² n² ये किसकी बेटा, ओमेगा, ओमेगा का टॉइस पाइन का स्क्वायर किया मैंने, तो मास कितना है मेरे पास 20 है, आर नहीं है सर, के स्क्वायर है क्या, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, नहीं बेटा के स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि मुझे आर नहीं के दिया है, आर नहीं के दिया है, यस, तो इसीलिए बेटा यहां पे ये नहीं डाल सकता हूं मैं, नहीं नहीं डाल सकते है, मैं बताता हूं नहीं डाल सकते, कैसे मैं बताता हूं आपको, क्योंकि बेटा यहां पे जो दी वाली ना वैल्यू वो दी वाली के की वैल्यू है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी, देखो के मतलब एम के स्क्वायर, और ये होगा बेटा 4π² n², समझे, एम के स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि बेटा एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया, इसलिए 1/2 मास कितना है ये के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4×10⁻², देखो 2 का स्क्वायर 4 -1 का -2 ये 4, पाई की वैल्यू जो होती बेटा यहां पे 9.86, याद रखना हमेशा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब 25, मुझे लगता है कि इसको 10 किया जाए, हाँ सर यहां पे ध्यान दीजिए बेटा 25 फोरजा क्या क्या बोल रहा हूं 25 फोरजा ये 10, ये 10⁻², कहां से आ रहा है 10⁻², दोबारा ये 10 कैसे आ गया पता बेटा 20/2 10, ये 4 × 25 100 मतलब 10⁻², ये हो गई ये। अब ये मुझे लगता है कि ये इसमें 4 और ये 9.86 है, तो ये मर जाएगा बेटा, ठीक है, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होंगे 4 ये 98.6, कैसे आ गया समझ में आ गया बेटा आपको, समझ में आ गया, अरे एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने इसके कारण,
तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 टू कैरी आ गए, 34 थ्री कैरी आ गए बेटा, है ना 39। मुझे लगता है कि यहाँ पॉइंट आना चाहिए और एनर्जी जूल में। तो आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मास तो बराबर है भैया, कुछ तो गड़बड़ हो गई। अच्छा क्वेश्चंस में, अच्छा मास 2 kg, चलो मैं इसको 20 करता हूं, मैंने 20 लिखा यहां पे गलती से, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 कर दो। मैं वही बोल रहा हूं मेरा आंसर ये गलत क्यों आ रहा है, कुछ गलत नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। और इसको कभी भी ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखोगे 394.4 जूल, इसको ऐसे लिखना है, मास यहां पे 20 करो। क्वेश्चंस करेक्ट है फिर हमारा, लास्ट और फास्ट सवाल करने जा रहे हैं आपके लिए, और सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना जरूरी है। हाँ सर हम लोग हमेशा लगाते हैं, आप क्यों नहीं मानते हो। चलो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी दी वाली है कितना बेटा 31, चलो 31.56 जूल। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी दी वाली है बेटा 120 rpm, मतलब एक मिनट में इतने रिवॉल्यूशन, यस सर मिनट क्या बेटा सेकंड है। अब मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको करना पड़ता है बेटा डिवाइड बाय 60, इसको कहते हैं आरपीएस, तो 00 मतलब 2, आरपीएस मतलब ही हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है बेटा, साइंटिस्ट लोगों का नाम है भैया, लेना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला मेरे पास 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब i, ऐसा लिखो टारगेट ही मेरा i, कर लेते हैं सर। तो ये होगा क्रॉस मेल्ट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो i 2 काइनेटिक एनर्जी बेटा 31.56 डिवाइडेड बाय ओमेगा, अब ओमेगा स्क्वायर निकाल ले तो निकाल लो ओमेगा, तो ओमेगा का जो फार्मूला है ट्वाइस पाई n है बेटा, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर है तो इसलिए 4 pi square, n का स्क्वायर तो 4 होगा, मतलब ये 16 pi square होते हैं, ठीक है ना, 16 pi square होंगे, तो ये 16। अब यहां पे पाई का स्क्वायर 9.86 होता है, लेकिन मैं काम करने जा रहा हूं, दो बार रख रहा हूं 3.14, क्यों पता लगेगा 3.14, ये इसके 10 गुना ज्यादा है, समझे मैंने क्यों किया था, क्यों किया था समझ में आ रहा है भैया, तो ये I इज इक्वल टू यार ये होंगे मेरे पास 8, सही है ना, ये दोबारा इस पे 5 और ये 4, मतलब 5, ये होंगे बेटा 12.56, मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, बस लॉग टेबल कर लो, हो गया हमारा किस्सा 5 एंड लॉग ऑफ 12.56, तो इसका तो 0 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, 50 का जीरो में भैया लॉक टेबल देखो जल्दी से, 50 का जीरो में 6990, और 12 का 5 में देखो बाबा, 0969 और 6 में मेन डिफरेंस जो है बेटा 21, मतलब ये होता मेरे पास 0969 और ये 21, तो ये 10 8 9 9 11 है ना, 0990। चलो सब्ट्रैक्शन है, हाँ सर सब्ट्रैक्शन करो, 0 ये 0 ये 0 ये 6 और ये 12 1, तो 60 का जीरो में देखना पड़ेगा हमको, 60 का जीरो में 3.98 आ रहा है, 3.981 10^-1, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करो तो 0.3981 ये केजी मीटर स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। तो मेरा कुछ अलग आ रहा है क्या यार, कुछ तो होने लगा है, चलो 0.4 आ रहा है, थोड़ा सा लॉक टेबल आप लोग बराबर देखिए 0.4, लेकिन करीब करीब मेरा आंसर सही है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, मैंने थोड़ा सा फाल्ट देखा। तो चलो यार आपको ऐसे न्यूमेरिकल अगर सही में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इस सीरीज को सपोर्ट करो तो ये सीरीज बेहतरीन तरीके से हो सकती है, नहीं तो क्या भैया। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।